बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम सेकेंड ईयर। आज हम पेज नंबर 23 पे जो आखिरी पैराग्राफ है वहाँ से आगाज़ करेंगे, उससे आगाज़ करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। राशिदुन राशिद लेता शिरी लेता काश शिरी शिरुन शऊर एहसास समझ बूझ या का मतलब मैं मेरा या मुझे। तो लेता शेरी काश मुझे मालूम हो जाए कैफा या मलू अतिलफिजून कैफा कैसे या मलू आमिला माजी कसीगा उसने काम किया या मलू वो काम करता है अतिलफिजून टेलीविज़न। तो बा मुहावरा लेता शेरी काश मुझे मालूम होता कैफा या मलू अतिलफिजून के टेलीविज़न कैसे काम करता है। नबीलुन नबील अतिलफिजूना जहाज़ुन मुअक्कदुन अतिलफिजून टेलीविज़न जहाज़ुन ढांचा मुअक्कदुन पेचीदा टेलीविज़न एक पेचीदा ढांचा है। वलाकिन्ना वाव और लाकिन्ना लेकिन मबदाहु मबदा उन कहते हैं उसूल हु के जरिए टेलीविज़न की तरफ इशारा किया गया है लेकिन इसका उसूल यसीरुन आसान है लेकिन इसका उसूल आसान है। वा हुआ वाओ और हुआ वो और वो उसूल ये है कि तहवीलु सवरिल वल अस्वाती इला मौजातिन गैरी मंजूरतिन वाओ और हुआ वो तहवीलुन तब्दील होना अस्वरी सूरतुन वाहिद है तस्वीर को कहते हैं यहाँ उसकी जमा इस्तेमाल हुई है सुवरुन और वो है तस्वीरों। वल अस्वाती वाव और सौतुन वाहिद आवाज़ जमा अस्वातुन आवाज़ें इला की तरफ मौजातिन लहरें गैरी बगैर मंजूरतिन नज़र आना तो बग़ैर नज़र आना यानी ना नज़र आने वाली। तो वह हुआ तहवीर सुवारी से बा मुहावरा इस तरह से किया जाएगा और वो उसूल ये है और वो उसूल है आवाज़ों और तस्वीरों का ना नज़र आने वाली लहरों में तब्दील होना। वफ़ी जहाज़ इस्तिक़बाली वाव और फ़ी में जहाज़ इस्तिक़बाल जहाज़ ढांचे को कहते हैं इस्तिक़बाल इस्तिक़बाल करने वाला लफ्ज़ी मतलब ये हुआ वा मुहावरा ये जो टेलीविज़न का या किसी भी चीज़ का जो एंटीना होता है एंटीने को अरबी में जहाज़ इस्तिक़बाल कहते हैं यानी जो लहरों का जो है इस्तिक़बाल करता है उसके अंदर फिर वो जो है तब्दील हो जाती हैं आवाज़ों में या तस्वीरों में। तो वाफ़ी जहाज़ इस्तिक़बाली और एंटीने में तत्हव्वलुल मौजातु सानियतन तत्हव्वलु तहव्वला माज़ी का सीगा वो तब्दील हो गया या तहव्वलु वो तब्दील होता है तत्हव्वलु तब्दील हो जाती हैं। अल मौजातु लहरें सानियतन दोबारा इला की तरफ सुवरिन सूरतुन वाहिद जमा सुवरुन तस्वीरें वाव और अस्वातिन सौतुन वाहिद जमा अस्वातुन आवाज़ें भी वसीलतिल हवाईजी वा का मतलब से यसात वसीलतुन ज़रिया अल हवाईजी हवा हवाई ज़रिया यानी हवा के ज़रिए। तो वफ़ी जहाज़ इल इस्तिक़बाली से बा मुहावरा इस तरह से किया जाएगा वफ़ी जहाज़ इल इस्तिक़बाली और एंटीने में ये लहरें दोबारा तस्वीरों और आवाज़ों में हवा के ज़रिए से तब्दील हो जाती हैं। व तिलफिजून अब आ जाइए अगले पेज की तरफ पेज नंबर 24 की तरफ जी। वत्तिलफिजून वा और अत्तिलफिजून टेलीविज़न अल मुलवन रंगीन कलर्ड लौन उन कहते हैं अरबी में रंग को जमा होती है उसकी अलवान उन तो मुलवन का मतलब होता है रंगीन। अक्सरु ताकीदन अक्सरु ज़्यादा ताकीदन पेचीदा मिन से अत्तिलफिजून टेलीविज़न अल अस्वद अस्वद कहते हैं काले रंग को हजरे अस्वद आपने सुना हुआ है हजर कहते हैं पत्थर को अस्वद स्याह रंग का
तो हजर अस्वद का मतलब भी क्या होता है, स्याह रंग का पत्थर, तो वही अस्वद जो है स्याह रंग को कहते हैं। फी का मतलब में अबजद, अबजद कहते हैं सफ़ेद को, तो अल अस्वद फी अबजद का मतलब हुआ ब्लैक एंड वाइट, अतिल फिजून अल अस्वद फी अबजद ब्लैक एंड वाइट टेलीविजन, तो जो है बा मुहावरा इस तरह से किया जाएगा, वतिल फिजून अल मुलवन अक्सर उताकीदा मिन अतिल फिजून अल अस्वद फी अबजद, और रंगीन टेलीविजन ब्लैक एंड वाइट टेलीविजन की नस्बत ज़्यादा पेचीदा है, वलाकिन अल खुत्तातिल आमता वाहिदतुन फिल हालतैन, व और लाकिन्ना लेकिन अल खुत्तता, खुत्तातुन कहते हैं पॉलिसी को, स्कीम को, उसूल को, तो अल आमता अमूमी, वलाकिन्ना से शुरू करके और लेकिन अमूमी उसूल, वाहिदतुन एक ही होता है, फिल हालतैन फी का मतलब में हालतैन दोनों हालतें, दोनों सूरतें, अब यहाँ दोनों सूरतें या दोनों हालतों से कौन सी सूरतें या हालतें मुराद हैं, यानी ब्लैक खा टेलीविज़न ब्लैक एंड वाइट हो या खा वो कलर्ड हो, तो तस्करा किया जा रहा है, आगाही दी जा रही है, वलाकिन अल-खुत्तत अल-आमा वाहिदतुन फिल हालतैन, लेकिन दोनों सूरतों में यानी खा ब्लैक एंड वाइट हो खा कलर्ड हो, दोनों सूरतों में उमूमी उसूल एक ही है, यानी उसके काम करने का तरीका जो टेलीविज़न का है वो एक ही होता है। तो दोबारा जो है एक दफ़ा सुन लीजिए, राशिद उन राशिद पेज नंबर 23 पे जो आगाज़ होता है कि राशिद कहते हैं काश मुझे मालूम हो जाए कि टेलीविज़न काम किस तरह से करता है। नबील कहता है जो वालिद हैं वो कहते हैं कि टेलीविज़न एक पेचीदा ढांचा है लेकिन उसका उसूल आसान है, और वो है तस्वीरों और आवाज़ों का ना नज़र आने वाली लहरों में तब्दील होना, और फिर एंटीने में दोबारा इन लहरों का तस्वीरों और आवाज़ों में हवा के ज़रिए से जो है ये मुंतकिल हो जाती हैं, दोबारा ये लहरें जो है आवाज़ और तस्वीरों में हवा के ज़रिए से एंटीने में मुंतकिल हो जाती हैं, और जो ब्लैक एंड और जो कलर टेलीविज़न है वो ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न के नस्बत ज़्यादा पेचीदा है, लेकिन दोनों सूरतों में उनके अमूमी उसूल जो है काम करने का उसूल जो है वो एक ही होता है। तो अज़ीज़ तालिबात, इसके साथ ही हमारे आज का लेक्चर का इख्तिताम होता है, तवज्जो से तैयार कीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।